नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की सभी खबरों से अवगत कराते रहते हैं, हाल फिलहाल में संपन्न हुए हरियाणा के पंचायती चुनाव के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। कई सरपंचों को हमने दिखाया आपको, और आज इसी कड़ी में पहुँचे गाँव धांधुका में। तो धांधुका में सरपंच श्रीमती सपना देवी जी हैं, ग्रेजुएट लेडी हैं, बहुत ही शिक्षित हैं, लेकिन वो घर पर नहीं है। तो घर पर नहीं होने के कारण उनके जेठ जी हैं यहाँ पर। हम उनसे जानना चाहेंगे गांव में किस तरीके से विकास कराएंगे और उनकी प्रथम प्राथमिकता गांव के प्रति क्या रहेगी। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। तो पहली बार आप सरपंच बने हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत 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 धन्यवाद जो आपने टाइम निकाल के हमें यहाँ पे ये इज्जत दी। तो सबसे पहले तो मैं अपने गांव का बहुत बड़ा एहसान मानूँ जो हम पहली बार सरपंच बने हैं इतनी वोटों से, इतना भारी मतों से। तो जो विजय बनाया, बहुत बड़ा एहसान है पूरे ग्रामीणों का, ग्रामीण वासियों का। जी जी। तो अगर विकास कार्य की बात करी जाए तो आप क्या कमी देखते हो गांव में, किस तरीके से विकास कराएंगे और प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी गांव के विकास के प्रति? गांव के विकास के प्रति, जो गांव का विकास है, जो नाली पानी बिजली ये समस्या तो हर गांव में ही होती है, और इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराएंगे, बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान दिया जाएगा। जो सबसे मेन पॉइंट है वो है शिक्षा पर। जी, जो शिक्षा है, हमारा स्कूल 8 तक है, जो मैट्रिक तक अपग्रेड कराने की सोच है मेरी। और लड़कियों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में पढ़ाएं, और लड़की लड़कों को सभी को। और जो टीचरों से जो रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जो डेवलपमेंट प्लान होता है और लेसन प्लान होता है स्कूल का, वो अपडेट करा के, वो अपने से अपडेट लेके, उसके आधार पर मैं आगे स्कूल को कार्य करूँगा, आगे स्कूल को बढ़ाने की, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने की कोशिश करूँगा। गांव की कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में अग्रणी हो। हाँ जी, ये तो शिक्षा की बात रही। आप अगर बात करी जाए युवाओं के बारे में, युवाओं के क्षेत्र में क्या सोचते हो? युवाओं के क्षेत्र में जो नशा चल रहा है उसके प्रति मुझे बहुत आक्रोश है कि उसको बहुत ही, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देगा कि नशा मुक्ति कैंप लगाएं और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं, ताकि उनकी समझ आ सके कि भाई, और जो युवा आगे, जो युवा पढ़ रहे हैं और जो है, उनके लिए भी एक सोचा है कि मैं एक लाइब्रेरी खोलूं, लाइब्रेरी, और उसके लाइब्रेरी के साथ साथ युवाओं के लिए एक जिम बना, जिम या व्यायामशाला या जिम, उनके लिए लाइब्रेरी के साथ साथ ये दोनों काम एक साथ हो जाए, ताकि बच्चे रुझान, युवा रुझान दिखा सकें, युवा को रुझान नशा मुक्ति से हटके, फालतू की बातों से हटके, इधर शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान रहे। ये युवाओं के बाद आप गरीबों के बारे में क्या सोचते हो, जो गरीब परिवार गांव में रहते हैं? गरीब परिवार के बारे में ये है कि जो फैमिली आईडी सरकार ने हमारे जो बहुत अच्छी स्कीम बनाई है, जो फैमिली आईडी 1,80,000 से जो कम इनकम है जिनकी, उनका आयुष्मान कार्ड भी अभी बनवाए हैं, कुछ होकर नए, कुछ होकर पहले बने हुए थे, जो नए बनवाए वो भी पूरे परिवार, पूरे गाँव में, पूरे सब में ही ऐलान करवाया था कि भाई फैमिली आईडी से आपका आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई परेशानी ना हो। अब बीपीएल उसी के आधार पर अब बीपीएल आ रहे हैं, नए अपडेट भी हो रहे हैं, और कुछ होकर आ भी गए, एग्जिट वो तो है नहीं मेरे पास, लेकिन डाटा है नहीं, लेकिन आ रहा है, डाटा कुछ बना रहा है। हाँ, डाटा आ रहा है। अभी आपके पास कुछ नए आयुष्मान कार्ड बन के आए हैं आपकी पंचायत? आयुष्मान नए पंचायत में आयुष्मान कार्ड नए बन के आए हैं हमारे पास, और कुछ उन्होंने यूज भी करे हैं। यूज की अगर बात करी जाए तो कितना बेनिफिट मिल रहा है लोगों को इससे? बेनिफिट पूरा मिल रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में जैसे जाते हैं, तो एक दो से पता किया है मैंने, तो उनका 1 रुपये तक नहीं लगा। जी, 1 रुपये तक नहीं, फ्री। ये जो सरकार की स्कीम जो चली है आयुष्मान कार्ड वाली, ये बिल्कुल सत्य है, 100% 100% सत्य है। 100% सत्य है, क्योंकि अगर आदमी ना करे तो कह सकते हैं कि अलग बात है, लेकिन करने के बावजूद, यूज करने के बावजूद ही बता रहे हैं ये सत्य है 100%, किसी का 1 पैसा नहीं लग रहा 5 लाख तक। मैंने खुद ने, मेरा बीपीएल परिवार है,
और बीपीएल अब कार्ड भी आया, मेरा नया अपडेट हुआ है, मैंने डाउनलोड कर लिया है और मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। मैंने अपने लड़के का ऑपरेशन कराया है पैर का, जिसका पैर पहले टूटा हुआ था, उसमें प्लेट लगी हुई थी, वो प्लेट निकलवाई मैंने फैमिली हॉस्पिटल तावड़ू से, उसमें मेरा एक रुपये नहीं लगा। जी देखिए, ये सरपंच साहब हैं गाँव धांधुका के और ये साक्षात अपने मौखिक बयान कर रहे हैं कि जो आयुष्मान कार्ड है वो बिल्कुल सत्य है और सरकार की बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। जो गरीब लोग हैं जिनके पास स्वास्थ्य में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसा नहीं है या बहुत ही निर्धन परिवार है, तो वो इस कार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं और इन्होंने खुद ने ही कार्ड का जो फ़ायदा उठाया और बताया भी इसके बारे में कि ये बिल्कुल निःशुल्क है, 5 लाख रुपये तक का इसमें इलाज फ्री है। तो सर साहब, अंतिम क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र को, अपनी पंचायत को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत को यही संदेश देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो मैं फिर कहूंगा आपका बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाल हमारे पास आए। तो यही है कि जो सरकारी योजना चल रही है उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि जो हमारे लिए सरकार दे रही है तो उनका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, फ़ायदा उठाया जाए। और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ हमारे गांव में है वो है पानी की, तो उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी, कार्य किया जाएगा इस पर, बहुत जल्दी इस पानी की समस्या का हम समाधान कर देंगे। देखिए, सर्वेश साहब ने विकास कार्यों के साथ साथ एक और बहुत अच्छी और बहुत नई और बहुत अलग हटके बात बताई आयुष्मान कार्ड वाले, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके साथ इन्होंने चैनल के माध्यम से मांग भी करी है और ये खुद भी चाहेंगे, पंचायत में विकास भी करेंगे कि पानी की जो समस्या है, जो अहम समस्या है इनकी पानी की, ये उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बढ़ते कदम सच्चाई कलम के देश का सच दिखाते हैं।